Don't forget to subscribe Hum Television YouTube channel and hit the bell icon. Thank you. नहीं नहीं मैं उसको साथ नहीं लाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या कि ऐसी बदतमीज लड़की को साथ लेकर आऊं ताकि वहां का सुकून बर्बाद हो? जिस तरह तुम अपनी हर बात जरीना से शेयर करती थी उसी तरह अपनी दादू से शेयर किया करो। लेकिन अब्बू आपको पता है मेरी तो एक और दादी है। एक और दादी? वो कौन? ये माहा। हाँ। मुनीब ऑफिस के लिए कब तैयार होगे? थोड़ी देर में। तुमने दादू को दवाई दे दी? हाँ मैंने दवाई दे दी। नाश्ते के बगैर दे दी तब? जी ताबू आज दादू ने फजर में ही नाश्ता कर लिया था, उन्हें भूख लगी थी तो इसलिए मैंने उन्हें फजर में ही नाश्ता बनाकर दे दिया था। अच्छी बात है। वानिया? क्या हुआ, कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। नहीं बस जूस के लिए कहा था उसे। वो ही बना रही है, असल में किचन का स्विच खराब हो गया था तो वो जूसर अपने कमरे में ले गई। तो मुझे बता देती मैं बदल देता। अभी तो खराब हुआ है। अम्मी को इन चीजों का कितना ख्याल होता था ना, छोटी छोटी चीजों का जायजा लेती थी और अगर कोई भी चीज खराब हो तो मुझसे फौरन ठीक करवा लेती थी। बेटा तुम्हारी अम्मी बरसों से घर चला रही थी, उन्हें इन बातों की समझ थी। इन बच्चियों ने तो अभी घर संभाला है, वक्त के साथ समझ जाएंगी। ये फरी की कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या लेकिन कब? ठीक है हम लोग आते हैं थोड़ी देर में। क्या हुआ बेटा? वो सारा ने सुसाइड करने की कोशिश की। या अल्लाह। तुम हमेशा ही जल्दबाज और जज्बाती हो सारा, कभी सोच समझ के फैसला ना किया। जिसकी सजा तुम्हें आज भुगतनी पड़ी, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया था। काश तुम मेरे दिल में झांक लेते, मगर शायद तुम भी अपने दिल से मजबूर थी जिस तरह मैंने तुमसे प्यार किया था। तुम मैं ऐसा करती थी। Come in. फैजी ऑफिस नहीं जाना तुम? एक्चुअली सफी मेरा मूड नहीं हो रहा, मैंने महा को कॉल कर दिया है वो हैंडल कर लेगी। चलो ठीक है तो तुम रेस्ट करो, अगर आपके पास वक्त है तो हमारे साथ नाश्ता जरूर कर लीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आता हूँ मैं। ओके गुड, वेट करो ना। आंटी इसे उठाकर कम से कम जूस ही पिला दें। हाँ बेटा। सारा सारा बेटा उठो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, यू चीटर, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सारा सारा मेरे बच्चा आंखें खोलो। सारा उठो बेटा। सारा बेटा रिलैक्स करो, अब तुम ठीक हो, अपने घर में हो। अपना घर, मेरा
तो कोई घर ही नहीं है आंटी। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा ही घर है ये, जिसमें हम सब साथ रहते हैं। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो हॉस्पिटल में थी ना। हाँ बेटा, तुम सारी रात हॉस्पिटल में थी और फिर तुम्हारे अंकल तुम्हें सुबह ले आए, और अब तुम ठीक हो सारा, अपने घर पर हो। क्यों बचा लिया मुझे? मर जाने दिया होता तो फिर क्या मैं भी मर जाऊंगी? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा, मैं अपनी बेटी को कैसे कुछ होने दे सकती हूँ? सारा बस भी करो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम जूस पियोगी या कुछ खाओगी? मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बनाऊं? हमें खुशी है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम हमारे पास हो। उसने बड़ा गहरा सर दिया इस वाक्य का, वरना इतना बड़ा कदम ना उठाते। अम्मा, एक लड़की के लिए तो ये बड़ी बात है कि वो दुल्हन बनी हो और शादी कैंसिल हो जाए। जो लड़की अपनी शादी कैंसिल कर दे और मंगनी तोड़ दे तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात? अम्मा आप ठीक कह रही हैं, शायद यही मकाफत अमल है। इसके साथ हुआ अब्बू मकाफत अमल? हम सारा की बात कर रहे थे बेटा। सारा के साथ मकाफत अमल, मगर क्यों? मैं समझ गई, जिस तरह सारा ने फैजान को शादी से इनकार कर दिया था इसलिए उसके साथ ये सब कुछ हुआ। मैं ठीक कह रही हूँ ना अब्बू? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, तुम वाकई समझदार हो। माँ बहुत चला गया अब्बू, उसको हमेशा सबसे पहले नंबर लेने की पड़ी रहती है। अच्छा, अगर ये बात तुम्हें समझ आ गई थी तो तुम ही बता देते, तुम बस जेलस ही होते रहे। अच्छा आप सब लोग अब मेरी बात गौर से सुने, आज रात का खाना हम दोनों भाइयों की तरफ से होगा। अरे भाई किस खुशी में? वो इस खुशी में क्योंकि अब हम एक हैप्पी फैमिली बन गए, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है, सारे गिले शिकवे खत्म हो गए, इसलिए। माशाल्लाह, अल्लाह मेरे घर को हर बुरी नजर से बचाए। चले दादो, हम चलते हैं। हाँ भाई मुझे भी देर हो रही है, मैं भी निकलता हूँ। अब मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। अल्लाह हाफिज। सारा बेटा, ऐसी बात ना करना और ना सोचना, तुम हमें हमारी औलाद की तरह अजीज हो, जिस तरह सैफी और फैजी मुझे अजीज हैं उसी तरह तुम भी अजीज हो। तुम हमारी औलाद हो तो फिर इस घर पर, इसकी हर चीज पर तुम्हारा भी उतना हक है जितना फैजी और सैफी का। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अंकल, मेरी वजह से आप सबको ज़हनी अज़ियत पहुंची। बेटा, औलाद गलतियां करती है तो वालदैन उसकी सजा नहीं देते बल्कि उन्हें सीने से लगाते हैं। सर बेटा, फैजी और सुफियान के बाद मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे बेटी दे, और अल्लाह ने फिर तुम्हारी शक्ल में मुझे बेटी इनायत की तो मैंने दुआ मांगनी छोड़ दी। मैं आप लोगों को कभी समझ ही नहीं सकी अंकल, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सुनो, अब तुम मुझे माफ करो या ना करो लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझी? तो लेकिन मैं तुम्हें एक मिनट में मना लूंगी और तुम माफ भी कर दोगे। तुम्हें एक बात बताऊं, ब्रो, तुम सिर्फ मेरी कजिन नहीं,
मैं तुम्हारा बड़ा भाई भी हूँ और एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि जिंदगी में आइंदा कभी भी तुम किसी भी प्रॉब्लम से गुजरो तो तुम मुझे जरूर बताओगे। और ये जो तुमने अपनी जान लेने वाली हरकत की है ना, ये तो तुम आप बिल्कुल नहीं करोगी, प्रॉमिस करो मुझसे। पक्की बात है ना, आइंदा अपनी जान लेने की कोशिश तो नहीं करोगी? तुम कोशिश मत करना, मैं खुद ले लूंगा तुम्हें। अच्छा चलो बाहर जा रहे हैं, आइसक्रीम खा के आते हैं। खुश हो जाओ, खुश रहो हमेशा। अरे वाह मम्मी, पता नहीं आपको क्या नई धुन समा गई है, घर के सारे काम छोड़ के आप ड्राई फ्रूट्स काट रही हैं। ये भी तो घर का ही काम है ना वानिया, और वैसे भी मैं ये सिर्फ और सिर्फ महा के लिए कर रही हूँ। बेचारी बच्ची सारा दिन कितना काम करती है, और वो भी सारा दिमाग का, ताकत तो चाहिए ना उसे भी। बड़ी मोहब्बत हो रही है आपको महा से, मतलब अपनी जेब खर्ची से आप उसके लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आई। तो क्या हुआ, देखो ना अब मुझे भी समझ में आ गया है कि आखिर को वो बच्ची तो है, बड़ों की तरह से पूरे घर को संभाला हुआ उसने, हम सबका कितना ख्याल करती है, हमें भी तो उसका ख्याल करना चाहिए। अरे रशीदा क्या बना रही हो, मीठा बना रही हो क्या? मैंने तो मना भी किया था कि दोपहर को कुछ ना बनाओ, बस दोपहर के खाने के लिए कुछ बना लो छोटा मोटा। मीठा नहीं बना रही हूँ, हरीरा बना रही हूँ महा के लिए, देखिएगा कितने शौक से पिएगी। हरीरा मगर क्यों? अरे इतनी सी जान है, वो दिमाग का सारा दिन काम करती है, खाती भी कुछ नहीं है तो ताकत कहाँ से आएगी उसमें। अरे कभी नहीं पिएगी, उसको पसंद नहीं है ये सब कुछ। उसको पसंद नहीं है तो आपको जबरदस्ती करनी चाहिए ना, आप जबरदस्ती पिलाएं। लेकिन खैर छोड़ें, अब तो मैं बना रही हूँ ना, अपने हाथों से पिलाऊंगी और देखिएगा कैसे झटाझट पी जाएगी वो। अरे कभी नहीं पिएगी, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, चलो तुम भी कर लेना। अरे नहीं नहीं क्यों, उसको अपने कमरे की तरफ गए, हमारी तैयारी तो हो गई है। और हाँ तुम ना लाइट्स ऑफ कर देना। अच्छा वो फरी और सुफियान भाई आ गए? हाँ फरी और सुफियान भाई ताबू के कमरे में। चलो मैं अबू को और फरी सुफियान भाई को लेकर आता हूँ। ठीक है, सब रेडी है ना? हाँ हाँ मेरा दिल लगा रहता है। आए आपका दिल मैं लगाता हूँ आज। चले बताओ तो सही कहाँ ले जा रहे हो? अरे चले तो सही, आप इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पे? अभी पता लग जाएगा आपको। भाई ये सब क्या है? दाबू ये सारा अरेंजमेंट शेबी ने किया है आपके लिए। चले अबू केक काटे। अरे अम्मा आप भी बच्चों के साथ बच्चा बन गई। बैठो। हाँ
देखें बच्चों ने कितना तकल्लुफ कर लिया, देखें जरा दावत भी कर डाली और गिफ्ट्स भी दे दिए। आपने भी तो हम सबके लिए इतना कुछ किया है अबू, खास तौर पे मेरे लिए। मुझे मालूम है आपने अपनी सारी जरूरतों को मार के मेरी ख्वाहिशात पूरी की हैं, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, मैंने तो जो कुछ किया अपने फर्ज समझ के किया, सभी माँ बाप करते हैं। मगर अबू औलाद का भी तो कुछ फर्ज होता है ना कि वो माँ बाप के लिए कुछ करें। तुम्हें इस बात का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत वक्त जाया किया अबू, अगर मेरे पास हजारों जिंदगियां होती तो मैं बहुत खिदमत करता अबू आपकी। लेकिन बेटा मेरे पास तो नहीं होती ना हजार जिंदगियां। वो आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। अब बस भी करें ये जज्बाती बातें और मुझे ये बताएं चाय कौन कौन पिएगा। भाई सभी पिएंगे, मैं बना लेता हूँ। हाँ मुनीत बहुत अच्छी चाय बनाता है। चाय मैं बना लेती हूँ, दूध पत्ती। हाँ वानिया बहुत अच्छी दूध पत्ती बनाती है भाई। अरे अरे वानिया की अम्मी भी बहुत अच्छी चाय बनाती है, ये देखो आ गई चाय। और ये दूध जो है ना बहुत स्पेशल है महा और मन्नू के लिए। ये खास तौर पे महा के लिए बनाया ताकि इसका दिमाग तेज हो। अच्छा है ना, थोड़ी ताकत मुझ में भी आ जाएगी। अच्छा बाबा तुम पी लो, मैं चाय पी लूंगी। शिवी, 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 शिव